तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? राम राम सबको, सत श्रीकाल। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग पे। बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि भाई अपना जिम दिखाओ, तो आओ आपको अपना जिम दिखाओ। तो ये है मेरा जिम जहाँ मैं जिम करता हूँ। आइए आगे। तो आ गए हम के अंदर अपना। तो पहले हम आके हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि यही हमारा मंदिर है, यही हमारी पूजा है, यही हमारा सब कुछ है। यह हमारा रिसेप्शन। ओके, तो साउंड हम गाने चलाएंगे नहीं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एरिया है हमारा पूल टेबल का। आप एक्सरसाइज से आपका मन ना हो, आप बोर हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि आज मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, तो आप यहाँ अपना टाइम बिता सकते हो पूल के। हमने दो पूल टेबल रखे हैं यहाँ, जो कि काफ़ी देर आप आराम से बैठ सकते हो और खेल सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। गार्जियंस अंदर जिम कर रहे हो और बच्चे यहाँ आराम से बैठ सके, उनके लिए हमने LED लगा रखे हैं यहाँ पे TV, जो हम इसमें अपना कार्टून वगैरह बच्चों के लिए चला देते हैं। इस एरिया में बच्चे भी बड़े भी यहाँ आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से होती है हमारी जिम स्टार्ट, ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ हमने रखा है डंबल्स के लिए रेक, जिसमें कि 5 kg के और 2.5 kg के डंबल होते हैं। सबसे छोटे डंबल होते हैं हमारे यहाँ, और ये हमारी है बड़े डंबल की रेक, जिसमें 15 से लेके 12, 15, 20, 25, 35 और 40 तक के डंबल हमने यहाँ रखे हैं। ये डंबल की हमारे पास दो रेक है, एक ये है जहाँ हैवी डंबल्स है, और उधर मैं आपको दिखाऊंगा उधर लाइट डंबल। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी पहली मशीन लेग प्रेस, ये है चेस्ट की चेस्ट प्रेस। तो ये देखिए, ये भी हमारी लेग्स की है, ये भी हमारी लेग्स की है, और एक और हमारी लेग्स की है। इधर हो गया लेग्स की कुछ मशीनें, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारी ये चेस्ट की तीन बेंच है, और ये हमारी सेम वन बेंच है, और ये सिंगल बेंच है। यहाँ हमारा ट्रेडमिल सेक्शन, जिसमें कि हमने 5 ट्रेडमिल लगा रखी है, और कार्डियो सेक्शन हमारा पीछे है, जो कि मैं दिखाऊँ। तो ये हमारी एक और मशीन है, जो कि है बटरफ्लाई की। ये तो ये हमारा है रॉड स्टैंड, जहाँ हमारी सारी रॉड धरी होती हैं, फ्लैट रॉड, सिक्सैक, सारी रॉड जितनी भी होती हैं। और ये हमारी है लेग पुल डाउन बैक की मशीन। तो ये है हमारी मल्टी मशीन, जिसमें कि हमारी ट्राइसेप, बाइसेप, ऑल इन वन जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये है हमारी बैक की दूसरी मशीन सिटी ड्रॉइंग, जिससे हम अपनी बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये हमारी फ्लेक्चर ब्रांच, दूसरा डंबल रेक, जहाँ हमारे छोटे डंबल स्टार्ट होते हैं 7.5 का, 10 का, 12 का, 15 का, यहाँ 15 kg तक। तो ये है हमारी स्कॉट बैग, जिसमें हम अपना स्कॉट भी कर सकते हैं और अपना यहाँ डेडलिफ्ट भी अपना कर सकते हैं। तो ये हमारी पुलअप मशीन वेटेड, जो सपोर्ट से भी आप वेट लगा के सपोर्ट से भी पुलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना कार्डियो एरिया आगे। तो गाइस, ये है हमारा इतना बड़ा कार्डियो एरिया, जो कि पहले ये है हमारा बॉक्सिंग बैग, और ये हमारा जैसल स्टैंड, ये हमारा बॉल स्टैंड, और ये जो है ये है वेटिंग बैग्स, जो कि हम स्कॉट करते समय किसी को प्रॉब्लम होती है कि भाई फ्री स्कॉट नहीं कर रहे, तो हम बैग का वेट लेके स्कॉट कर सकते हैं। ये है हमारे रॉक रस्सा चलाने के लिए, और फिर हमारे हैं ये आ जाते हैं तुम्हारे क्रॉस टैनर, तीन क्रॉस टैनर है, और ये एरिया हमारा पूरा साइकिलिंग का है, इतना यहाँ पे सारी साइकिलिंग। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी रोइंग मशीन, ये देखिए, ये कार्डियो में काम आती है रोइंग मशीन। ये हमारी बेंच जो है, ये है एब्स के लिए, इस बेंच पे आप लेट के एब्स कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे स्टिक वगैरह है स्ट्रेचिंग के लिए, आप नॉर्मल स्ट्रेच
स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो हमारा कार्डियो एरिया काफ़ी बड़ा है। मैट रखने का स्टैंड जो कि आपने देखा है काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये हमारे छोटे छोटे जो स्टैंड हैं, ये अपना फ़ोन रखने के लिए, पानी की बोतल रखने के लिए, अपनी कोई भी चीज़ आप लेके आ रहे हैं तो रख सकते हैं। ये हमारा वॉशरूम है, ये मैं आपको अपना वॉशरूम दिखाता हूँ भाई। ये मैन वॉशरूम है जो आप देख पा रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको जिम हमारी कैसी लगी। तो अभी मैं करता हूँ थोड़ा सा वर्कआउट करने से पहले आज तो नहीं डालेंगे फ्री व्री कुछ भी, नॉर्मली मुझे सिर्फ क्योंकि काफ़ी टाइम का मेरा गैप हो गया, मैं अभी हार गया हुआ था, आपने देखा था मेरे सारे पिछले ब्लॉग मनाली के, तो मेरा पिछले एक हफ्ते से वर्कआउट छूटा हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा हल्का लाइट मतलब कि नॉर्मली मिक्स एक्सरसाइज करूँगा, तो उसके लिए मैं प्री वर्कआउट की मुझे ज़रूरत नहीं है। आज हम वर्कआउट में करेंगे मिक्स एक्सरसाइज जो कि अपना सारा ही जो हमारी बॉडी थोड़ी सी खुल जाए। चलो पहले करते हैं हम थोड़ा सा वार्म अप स्टेज, चेस्ट का भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया चेस्ट का भी, और अपने बाइसेप्स का थोड़ा सा वार्म अप करते हैं और ट्राइसेप्स के लिए कीक बैक का वार्म अप करते हैं। तो ये हमेशा हमें एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारी मसल्स खुल जाए, कोई इंजरी की संभावना ना हो। तो एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप जरूर करें। तो चलो वार्म अप कर लेता हूँ मैं आपको, फिर दिखाता हूँ कि मैं अपना पहला एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो चलो हो गया वार्म अप हमारा बहुत अच्छे से और बॉडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एक्सरसाइज करने के लिए। तो पहले हम करते हैं चेस्ट प्रेस। आज हम अपनी चेस्ट को भार डालेंगे, सॉरी गलत लैंग्वेज यूज नहीं, आज हम अपनी चेस्ट को पंप कर देंगे। अरे चलिए, तो इसके लिए पोजिशन होती है ये। काफी टाइम कर रहा हूँ, बहुत मजा। तो ये पहली एक्सरसाइज हो गई हमारी खत्म चेस्ट की। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा पंप आया है, काफ़ी टाइम से एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से वर्कआउट छूटा हुआ है, तो अभी बॉडी एकदम रूटीन में नहीं आ रही है। तो अब करते हैं हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज ट्राइसेप्स। तो आइए चलो ट्राइसेप्स में करते हैं हम पहले पुलिंग पुश डाउन, ये पहले ही सेट है किसी ने की हुई है। तो चलो वेट रखेंगे हम अपना हल्का, रेपिटेशन भी अपनी वही होगी 10 से 12 3 सेट बस, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा सेट भी खत्म जिसकी हमने 12 रैप किए। तो आप देख पा रहे हैं ट्राइसेप्स का पंप अच्छा आ गया है। भाई बॉडी बहुत ज़्यादा जवाब दे चुकी है कसम से, अगर जो आप अपना वर्कआउट छोड़ दो कुछ टाइम के लिए तो बहुत टाइम बाद मेरे हिसाब से, तो मुझे लगेगा अभी 2-3 दिन लग जाएंगे अपनी बॉडी को दोबारा के स्टेपना तो पहले जैसे स्टेपना के अंदर ले जाने के लिए। तो अब है हमारी तीसरी एक्सरसाइज बैक की जिसपे हम करेंगे अपना सिटी ट्रैक। तो चलिए भाई ये भी कंप्लीट कर देते हैं। इसकी पोजीशन देखिए, लोअर बैक एकदम स्ट्रेट एंड। तो फाइनली हमारी तीसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट बैक की, जो कि मैं आपको दिखाऊं काफ़ी अच्छा पंप आ रहा है आज, मज़ा भी बहुत आ रहा है और हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो हम करेंगे अपनी अब चौथी एक्सरसाइज बाइसेप्स की। मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है क्योंकि इस ट्रिप पे हमने डाइट अपनी बहुत ज़्यादा चीट की हुई थी, इस वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। तो हम वेट रखेंगे कमी और रेपिटेशन अपनी बोले थोड़ा। तो चलो बाइसेप्स की एक्सरसाइज। चलो देखते हैं पहले सेट में कैसा पंप आया। अभी हम अपना बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं कंप्लीट,
फिर हम आपको दिखाते हैं अपनी फाइनल और लास्ट पांचवी एक्सरसाइज शोल्डर की, जो कि मेरी फेवरेट है। तो चलो अभी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बोला नहीं जा रहा। बाकी आप लोग इंजॉय तो कर रहे होंगे। हमारी पांचवी एक्सरसाइज शोल्डर की, जो कि मैंने बताया था कि मेरा फेवरेट है। तो चलो इसमें रखेंगे हम लाइट वेट काफ़ी, तो हम 10 के डंबल ले लेते हैं और साइड रेस करेंगे। चलिए एक्सरसाइज भी मैं अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी बोलने की हालत नहीं है थोड़ी भी। तो अभी फाइनली हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज भी खत्म, और लेग्स हम करेंगे नहीं क्योंकि अभी लेग्स में जान नहीं है। तो फाइनली गाइस, मैंने आपको अपना पूरा जिम दिखा दिया, अपना पूरा वर्कआउट दिखा दिया। तो आपको ये बताना मेरा वर्कआउट कैसा लगा और मेरी जिम कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेस्ट, मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। तो लव यू ऑल, बाय बाय।